हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैक कल्चर को और लैक इंसेक्ट के बारे में. हालांकि मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना हो जाए, सिर्फ एक ऊपर ऊपर की जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ. क्योंकि आप देखेंगे कि वैसे ही मैं खुद भी इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि जब आप बुक्स देखते हैं तो बुक्स में आपको बहुत बाहर का दिया हुआ है. आप ट्रूमैन देखें, दिनेश देखें या कोई भी एक्सवाइजेड बुक देखते हैं, यहाँ पे मैंने कंसाइज्ड फॉर्म में जो एकदम टू द पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और हाँ एनसीईआरटी के बाहर का है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. देखिए, अगर मैं ड्रॉपर हूँ और मेरा एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद है और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पहली बार लैक कल्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है. हमको ये समझना होगा सबसे पहले कि हमको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ये नवंबर चल रही है और एंड है, तो अगर इस टाइम एज अ ड्रॉपर मैं सोच रहा हूँ, तो एज अ ड्रॉपर अगर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है. लैक के बारे में जो मैं 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो पढ़ूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा. सेम फॉर 12th, वो जो अपेयर होने वाले हैं इस साल नीट के पेपर में. पर अगर मैं 11th की बात कर रहा हूँ तो 11th के बच्चों को ये टॉपिक पूरा पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग, जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो जो चीज़ें हैं. उसके अलावा अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये चीज़ ट्रूमैन से भी उन्हें 1-2 चीज़ें देख लेनी चाहिए. इसलिए तो उनको रेफरेंस बोलते हैं, रेफर करने के लिए, है ना. तो ये चीज़ें, ये पढ़ने का तरीका होता है. मैं आगे भी बताता रहूँगा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए. फिलहाल स्टार्ट करते हैं लैक कल्चर. लैक कल्चर अगेन कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता दूंगा आपको. एक पेड़ जिसके ऊपर लैक कल्चर किया गया हो या हुआ हो, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा इस टाइप से. यहाँ पे आपको एक लैक इंसेक्ट भी दिख रहा होगा जो इसके ऊपर एग देने आया था. यहाँ पे जब पूरा उसका जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है तो लैक निकालने के पहले जो वुड है वो कुछ इस तरह का दिखता है. ये वो इंसेक्ट है, लैक इंसेक्ट, शायद आप ठीक से देख पा रहे हैं उसको. तो ये इस तरह से लैक कल्चर चलता है. एक और चीज़ अगर मैं आपको समझाऊं तो जो लैक कल्टीवेशन है वो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है. फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक पेड़ है जहाँ पे ये लैक मिला है तो उसके ऊपर एक्चुअली में इस तरह से एक लकड़ी है जिसके ऊपर ये हमने ऑलरेडी कल्टीवेट करवा रखा है, उसको इससे अटैच कर देंगे तो ये जो XYZ इंसेक्ट है, लैक इंसेक्ट, ये यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ पर भी पूरी डाल पर जो लैक है उसका फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ प्रोसेस होती है. स्टार्ट करते हैं लैक कल्चर को. ठीक ठाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चंस इससे एक्सपेक्टेड रहते हैं. कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में तो नहीं, लेकिन हाँ 3-3, 4-4 साल के गैप में एक आध क्वेश्चन आ सकता है. लैक कल्चर को स्टार्ट करते हैं. लैक इज एक्चुअली अ रेसिनस सिक्रेशन. रेसिनस सिक्रेशन, रेजिन लाइक सिक्रेशन. एक्चुअली में क्या होता है, चिपचिपा सिक्रीशन होता है ना, जैसे जिसको हम गाद बोलते हैं एक कॉमन लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में गाद जिसको हम बोलते हैं, तो पेड़ों के वहाँ एक रेसिनस सिक्रीशन होता है, चिपचिपा सा सिक्रीशन होता है. वो ऑफ लास्ट सेगमेंट ऑफ लेसिफर लाका और लैक इंसेक्ट. ठीक है ना, तो ये जो लैक इंसेक्ट है उसका लास्ट सेगमेंट जो होता है, जो आपने इंसेक्ट देखा था उसके लास्ट सेगमेंट से एक रेसिनस सिक्रीशन निकलता है जिसको हम लैक बोलते हैं या गाद हम बोलते हैं. तो अगर इसके आगे बात करूं, द इंसेक्ट इज पैरासाइट. जो इंसेक्ट है वो क्या है, पैरासाइट. अब क्या करना होता है कि इस क्वेश्चन को वो लिंक करेंगे इकोलॉजी से. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जब आप पढ़ते हो इकोलॉजी 12th क्लास में, तो वहाँ पर आप देखते हो पैरासाइट लिविंग के बारे में चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं. वहाँ से अगर लिंक करके किसी साल अगर ये क्वेश्चन उनने पूछ लिया तो ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा. अगेन, जब तक नहीं पूछा जा रहा तब तक इसको उतना कोई ध्यान भी नहीं दे रहा. तो यही चीज़ है, क्वेश्चन इसी तरह से फंसते हैं. बाहर के जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस हैं वो हमको इसी तरह से कवर करने रहते हैं. ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इंसेक्ट है ये प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है. पैरासाइट का मतलब है, जैसे कि हमारे रिलेटिव बोलने वाली बात होती है, पैरासाइट का मतलब है कि जो हमारे घर में रह रहा है, हमारा शेल्टर यूज़ कर रहा है, हमारा फूड यूज़ कर रहा है, बदले में हमको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है. तो रिलेटिव जितने भी सुन रहे हो, घर में वापस जाने से पहले बच्चों को कुछ दे के जाएँ. तो ये इंसेक्ट है,
पैरासाइट की तरह रहता है एंड ब्रीड्स ऑफ द फॉलोइंग होस्ट प्लांट, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं जिनके ऊपर एज अ पैरासाइट ये रहता है। फॉर एग्जांपल कुसुम का पेड़ आपने सुना हो, बबूल। बबूल इज़ अ वेरी कॉमन और बहुत मतलब एक ऐसी तरह से आप देखेंगे कि बबूल का पेड़ आप सेंट्रल इंडिया में बात करें तो बहुत ज़्यादा, और जो एकेसिया का आपने नाम सुना होगा, एक्चुअली में जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है उस एरिए में बबूल का पेड़ बहुत अबंडेंट होता है। बेर का पेड़, पलाश का पेड़, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये लैक इंसेक्ट के बारे में हमने देखा। तो फिलहाल लैक इंसेक्ट के बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं, जैसे कि दे सिक्रीट अ गम लाइक सब्सटेंस विच कवर्ड देम फ्रॉम ऑल द साइड, यानी कि वो एक गम लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि उनको पूरे चारों साइड से कवर कर लेता है। एंड दैट 1 to 2 inches थिक होता है, सेंटीमीटर नहीं इंच लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंच लिखा है, मतलब इंच इज़ अ ग्रेटर क्वांटिटी। तो वो एक गम लाइक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो यहाँ पे आप पेड़ देखेंगे, ये गम लाइक सिक्रीशन उनने सिक्रीट किया है, ये जिसको रेजिन आप बोल रहे हो, रेजिनस सिक्रीशन बोल रहे हो। इसके अंदर वो इंसेक्ट रहता है, अपने ऊपर एक बड़ी सी लेयर बना लेता है 1 to 2 inches थिक, यानी कि ये बहुत मोटी लेयर होती है, ठीक है ना, विच इज़ फॉर्म्ड अराउंड द ब्रांचेस, ब्रांचेस के अराउंड ये बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इंडिया इज़ लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जो लार्जेस्ट लैक प्रोडक्शन है वो आपका झारखंड में हो रहा है, फॉलोड बाय झारखंड। अब याद कैसे रखना है, जहाँ के अपने धोनी भाई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें रिलेट करके याद रखेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा। तो लैक प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट आगे है, झारखंड आगे है, झारखंड के बाद MP, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। इनसे इसका भी रिलेशन है कि जो पेड़ों के ऊपर ये उगाया जाता है उन या फिर कल्टीवेट किया जाता है, वो पेड़ की अबेंडेंस इन स्टेट में ज़्यादा होती है। इंडिया प्रोड्यूस 75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी कि पूरी जो दुनिया का, ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट नंबर पर है इंडिया, तो पूरा वर्ल्ड जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका 75% लैक प्रोडक्शन इंडिया से होता है। लैक इज सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ लैक ग्लैंड ऑफ लैक इंसेक्ट, द सिक्रीशन कवर्स द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो सिक्रीशन है वो बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है, एक थिक लेयर बनाता है। लैक इज यूज्ड इन, अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन वार्निश, पॉलिश बैंगल्स, कॉस्मेटिक्स और लैक वैक्स एंड लैक डाई, इन चीज़ों में इसका यूज़ होता है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि क्या होता है और किस जगह यूज़ हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो लैक इंसेक्ट के ऊपर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।